नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से ऋषि सिंह की एक नई अपडेट आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऋषि सिंह के फैंस हैं तो ये स्टोरी बिल्कुल आपके लिए ही है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है। इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह की दर्द भरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, सगी माँ ने छोड़ा और उसके बाद मिले भगवान। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए फुल इन्फॉर्मेशन के साथ लाती रहती हूँ। इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह को थिएटर राउंड के बाद पता चला कि उनके माता पिता ने उन्हें गोद लिया था। जी हाँ दोस्तों, सिंगर की कहानी सुनकर आप भी हो जाएंगे भावुक। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 के विनर बने अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह की सिंगिंग के मुरीद क्रिकेटर विराट कोहली तक हैं। ऋषि सिंह ने इससे पहले इंडियन आइडल सीजन 11 के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उस वक्त उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था और वो ऑडिशन के चौथे राउंड से बाहर हो चुके थे। भगवान राम की पावन धरती पर जन्मे ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल 13 के मंच पर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई थी। इनफैक्ट जजेस भी रोने लगे थे। सगी माँ ने छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल 13 के स्टेज पर अपनी कहानी सुनाते हुए ऋषि सिंह ने अपने माता पिता को भगवान कहा था। एक एपिसोड में परफॉर्मेंस देने के बाद ऋषि सिंह ने दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने नेशनल टीवी पर बताया था कि उनके माता पिता ने उन्हें गोद लिया है, जिसके लिए उन्हें ताने भी सुनने पड़े। ऋषि सिंह ने कहा कि वो आज जो भी है, अगर इस मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं तो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से, उनके लिए जो है भगवान है। ऋषि ने कहा था कि वो अपने माता पिता के सगे बेटे नहीं है, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। उन्हें उनकी सगी माँ ने अनाथ छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें पेरेंट्स ने गोद लिया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल 13 के विजेता बन चुके ऋषि सिंह ने भरी महफिल में बताया कि उन्हें इस शो में आने के बाद पता चला कि वो अपने माता पिता का खून नहीं है। आप समझ सकते हैं उस समय ऋषि पर क्या बीती होगी। ऋषि ने कहा कि अगर मेरे इन माता पिता ने उन्हें पाला ना होता तो वो कहीं सड़ रहे होते। जी हाँ दोस्तों, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगते हुए ऋषि सिंह ने कहा कि उन्होंने आज तक जितनी भी गलती की है उनके लिए उन्हें माफ़ कर दे। ऐसा बोलते हुए वो लगातार रो रहे थे और आखिर में सामने बैठे अपने माता पिता के पैरों में उन्होंने अपना सर रख दिया था। ऋषि सिंह की इस दर्द भरी कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें जो है वो भर आई थी। और आज आप देख सकते हैं वही लड़का आज किस पोजीशन में है और कहां तक जा चुका है। तो दोस्तों यही थी ऋषि सिंह की दर्द भरी कहानी। तो उम्मीद करूंगी ऋषि की इस छोटी सी स्टोरी पर आप लोगों का सही रिएक्शन आएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप ऋषि को कितना चाहते हैं, ऋषि को किसके साथ देखना चाहते हैं, ऋषि को किस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगी और बताऊंगी कि ऋषि सिंह ने अपने जीते हुए 25 लाख रुपयों का क्या किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।